तो सबसे पहले आप सभी लोग को नमस्कार, कैसे हैं, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 8:30 होने वाला है और ये मैं खाना ना खा करके निकल चुका हूँ सीतामढ़ी के लिए। मेरा एकदम खत्म हो गया है, चलते हैं सीतामढ़ी। दोस्तों देख सकते हैं फिर से कितना काला काला बादल लगा हुआ है, ये बारिश होने वाला है। कल रात को तो आंधी तूफान और बारिश खूब तेज हुआ ही, देख सकते हैं पूरा पानी लगा हुआ है और पूरी तरह से हाल बना हुआ है। लेकिन अभी भी देख सकते हैं काला काला बादल लगा हुआ है, जोर लगा हुआ है, जिसको देख सकते हैं बादल बहुत ही तूफान आने वाला लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। पूरी तरह से अंधेरा हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं हवा भी फट चुका है थोड़ा थोड़ा करके। बारिश दोस्तों खूब तेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आया है बस। और सीतामढ़ी मार्केट दुकान में और चलते हैं माल छान लेते हैं। और इधर जो है बारिश थोड़ा थोड़ा हुआ है इस समय, ऐसे भी मैं रास्ते में आ रहा था तो बूंदी थोड़ा पड़ रहा था लेकिन रुका नहीं हूँ, चलते रह गया, फिर भी गीला हो गया था लेकिन अभी सूख गया है। तो अभी फ्रेश मौसम हो गया, अभी माल छांट लेते हैं, लेना है सबका। अभी लाइट कट्टा है कि जल गया तो एक बंडल इसे से ले लेते हैं। ये है सूखी वाला प्लाज है दोस्तों, तो इसमें से निकाल लेते हैं। आज तीन बंडल ले जाएंगे, आज तो दिन एक ही बंडल लगे हैं। चाइना नाइटी इधर भी छाँट लेते हैं। तो दोस्तों जो जो लेना है सब ले लेते हैं, छाँट के फिर मिलते हैं। तो ऊपर छाँट लिया हूँ टी शर्ट वीशर्ट सब और बांधने वाला सब ऐसा छाँट लिया हूँ। नीचे प्लाजो सा छाँटना है, देख सकते हैं इधर प्लाजो और ब्लूमर है साइड में, ब्लूमर है, टी शर्ट ये वाला टी शर्ट सब है, ये पैंट है, उधर सेमी है, इधर नाइट पैंट है, इधर शॉर्ट्स है, तो शॉर्ट मुझे नहीं लेना है। इधर हाथी प्लाजो सब है लेस वाला, तो चलते हैं दोस्तों छाँट लेते हैं जो सब लेना है वो सब इधर भी, क्योंकि इधर एक एक करके ये सब में से जाए ना छाँटेंगे सब। इधर देखिए कितना ज़्यादा बंडी सब है, तो थोड़ा थोड़ा लेना है, दो दो पीस दो दो बंडल लेंगे सब साइज में से। तो चलिए छाँट लेते हैं फिर ऊपर लेकर। तो दोस्तों अभी हमने सारे माल को छाँट के लिया ऊपर और देख सकते हैं इधर है हमारा माल और इधर गिनती हो रहा है दोस्तों, हिसाब करवा रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हिसाब ताब करवा के फिर सबको पैक करेंगे, फिर चलेंगे सबको पहले हिसाब करवा लेते हैं। दोस्तों अभी मैं माल लेकर के भी जा रहा हूँ घर पे और अभी सीतामढ़ी टाउन से भी निकल चुका हूँ। और दोस्तों ये हमारा माल है, देख सकते एक बोरा है और एक झोरा है और इसमें जो है ना सरवन बोला हुआ था आम लाने के लिए, था आम लेकर जा रहा हूँ इसमें और इसमें अनार है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और क्या क्या है दिखाएंगे घर पे चल के और कितना का माल है वो भी बताएंगे। फिलहाल दोस्तों चलते हैं और अभी हम देख सकते हैं बत्ती जल रहा है पेट्रोल वाला, देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं पेट्रोल डलाएंगे उसके बाद चलेंगे, चलते हैं फुल करा लेते हैं। दोस्तों आज फुल करा लेंगे तो चार दिन चलेगा, तीन चार दिन, 400-450 में फुल, देखते कितना में फुल होता है। तो चार दिन तो चल ही जाएगा मेरे अंदाज से, देखते कितना नहीं चलता है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों पेट्रोल डला रहे हैं, पेट्रोल भी डला लिया, सामने पेट्रोल पंप है। तो 380 रुपये का फुल हो गया है, 380 रुपये में। तो चलिए दोस्तों लगभग 400 रुपया मानिए 380 रुपये में फुल हो गया, तो 400 हो ही गया, देखते हैं कितना दिन फेरी होता है इसमें, चार दिन चलता है कि नहीं। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल मिलते हैं घर पर और फिर बताएँगे दिखाएँगे क्या क्या देखा जा रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों चादरा कितना उदिया दिया हुआ है हवा पे, देख सकते हैं क्या हाल कर दिया हुआ। और इधर जो है ना कंपनी था सेलर का, मतलब कि धान कटाने वाला सेलर था यहाँ पे, कंपनी को देखिए किस तरह का हाल बना दिया हुआ है, पूरा उधिया ही दिया है। चतरा का गोदाम था, पूरा अन्न भी पूरे उधिया दिया हुआ है। दोस्तों हमारा गाड़ी पंचर हो गया है तो वही बनवा रहे हैं, एक बार हवा भी कसाया थे बीच में, हमने सोचा देखते हैं हवा निकला है कि पंचर है, तो दोस्तों पंचर था
क्योंकि यार 2-3 किलोमीटर बाद ही फिर हवा निकल गया है। दोस्तों अभी आ गया घर पे, अभी टाइम 3:30 हो गया है, पंचर बनवाने में लेट हो गया है, पंचर हो गया था तो चलिए अभी आते हैं। यही आम चूरा है तो माई अभी धो रही है आम को, खाते हैं उसके बाद में सारे माल को निकालेंगे और सही आएंगे। फाइनली दोस्तों अभी हमने खाना ना खा लिया, अभी चलते हैं दोस्तों सारे माल को सर निकालते हैं। देखते हैं बोरा है और ये झोला में है प्लाजो उलाजो, तो दिखाते हैं कि आज हमने क्या क्या लाया हूँ और उसके बाद में सबको दिखा के उसके बाद सही आएंगे। दोस्तों सारे को स्टार्ट करते हैं दिखाना, तो सबसे पहले प्लाजो से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है सूती वाला जई वाला प्लाजो, 5 पीस है, 5 पीस लिए हैं। उसके बाद में है लाइडन में आते हैं, तो लाइडन में ये 8 साल बच्ची का है और 12 साल लड़की का, ये 4-5 साल लड़की का है और 10 साल एशियान वाला है और ये 10 साल बच्ची का है। यानी बताया जाए देखा जाए तो 5 प्रकार का प्लाजो है, 3 साल से लेकर के और सियान का 5 साल में। उसके बाद में आते हैं ये वाला सा रेडीमेड में, तो रेडीमेड में ये हाफ पैंट है 10 साल से 15 साल तक लड़के का है, 6 पीस सिलाया हमें। ये वही सूती वाला जो कि अच्छा वाला है, खूब बड़ा साइज है, ये वाला 10 पीस लिया है। ये 5 पीस प्लाजो सेट है, प्लाजो कुर्ती दोनों सेट है, देख सकते हैं और कलर में सूती वाला कैप्री है, यानी कि घुटना से थोड़ा नीचे तक रहता है, 8 साल बच्ची से लेकर के और सियान बच्ची तक लड़की तक। 6 पीस का बंडल है, 3 पीस 3-4 बंडल लिया हूँ 4 साइज का। नाइट पैंट है, लगभग 10 साल बच्ची से लेकर के बच्चा बच्ची दोनों पहनती है, तो 10 साल से लेकर सियान तक है। ये है 100 का जरा 10 पीस का बंडल है और हाफ पैंट 10 साल बच्चे का है, इसमें 6 पीस का बंडल है, तो एक ही लिए है इसमें का। ये ब्लूमर है 0 साइज, ये जल्दी नहीं मिलते रहता है इसलिए एक ही बार में 6 बंडल ले लिया है। ये हाथी वाला प्लाजो है लेस वाला, 6 पीस लाया है, देख सकते हैं हर कलर में है। ये ब्रा है देख सकते हैं, 1 बंडल 12 पीस का पैकेट है। इस पैकेट में का दोस्तों आता है लगभग 6-7 साइज, लेकिन मैं 3 साइज का लाया हूँ, 1 2 साल 1.5 साल बच्चे का और 1 5 साल का और 1 10 साल का, 3 साइज का लाया। और ये भी है 2 साल का बच्चे का, तो ये मूठा वाला इसको बोलते हैं, तो 1 बंडल है 12 पीस का, 6 महीने से का साल भर बच्चे का है, दबंग टी शर्ट देख सकते हैं, इसका नाम दबंग टी शर्ट, गला में डिजाइन रहता है बांधने वाला, सूती में है वो वाला, ये सब है ना, ये सब लाइनिंग में है। तो ये 32, 36, 40, 44 4 साइज का 2-2 बंडल लिया है। बंडी सेट है, बंडी सेट है सूती वाला है, लाइन वाला ही है लेकिन अच्छा वाला है, तो इसमें आता है 5 साइज, तो मैं 2 साइज लिया हूँ, 1 0 साइज और 1 3 साल 3.5 साल 4 साल बच्चे का, यानी कि 2 साइज लिया। और 1 टी शर्ट है लगभग 10 साल से लेकर 12 साल 15 साल तक बच्चे का होने वाला है, तो ये है 3×9 3 पीस का बंडल है, 9 पीस लाए, यही है सारे। तो दोस्तों यही है सारा, देख सकते हैं सब निकाल लिए और अब सरियाते हैं, इस कैरेट में जो कमी है उसमें डालेंगे जो जो आइटम कम है सो, और इसके बाद में
इस झोला में भी डालेंगे, इधर दे सकते हैं इस झोला में, और उसके बाद में जो रह जाएगा, जो बच जाएगा, उसको यहाँ पे लगा देंगे। तो सबको जो है ना सरिया लेते हैं, और सरिया भी यहाँ के रेडी हो जाते हैं, सबको अच्छे से सरिया। फाइनली दोस्तों हमारा सरियाया हुआ पूरा हो गया, टाइम 6:30 हो गया, सरियाते सरियाते दे सकते हैं, इधर भी पूरा हो गया। ये अंदर में का जो है ना कुछ आइटम खाली सरियाना है, और गमछा सरियाना है, देख सकते हैं गमछा सरियाना बाकी है। नहीं तो इधर झोला भी रेडी हो गया, झोला पूरी तरह से फुल हो गया है, और इतना हमारा जो है ना स्टॉक है। तो चलिए अभी 6:30 हो गया है, अभी जो है ना बीयर डूब चुका है, देख सकते हैं झोली पे फ्रेश ही है, लेकिन बीयर डूब चुका है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आते हुए जैसे क्योंकि पूरी तरह से गर्मी, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, इतना ज़्यादा गर्मी है। और कल रात को जो है ना आंधी तूफान बारिश सब था, तो आज पूरे दिन लाइट कटा हुआ है। तो मोबाइल हमारा जो है ना मोटरसाइकिल में चार्ज किया हूँ, मोबाइल सीतामढ़ी गया हुआ था माला में, तो चार्ज करते हुए गया, देख सकते हैं इधर डाटा केबल लगाया है गाड़ी में ही। तो चलते हैं अभी दोस्तों, आते हैं उधर से घूम करके, थोड़ा हवा हवा खा करके।